कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे अधिक संक्रमित होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने में लगा हुआ है। सदर अस्पताल रांची में PICU और NICU का काम अब अंतिम चरण में है। वॉल पेंटिंग और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही सदर अस्पताल के दूसरे तल्ले में पाइपलाइन का काम भी 15 दिन में पूरा हो जाएगा। इस बारे में सदर अस्पताल में कार्यरत डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आशीष रंजन और रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने जानकारी दी। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बच्चे अधिकतर इससे प्रकोपित होंगे, तो उस कंडीशन में एक आशंका ये, क्योंकि वो लोग अभी आज के तारीख में उनका इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाया है कोविड के अगेंस्ट में, इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है। तो उस एंगल से जैसा कि पूरे राज्य में या पूरे देश में बच्चों के लिए एक खास तैयारी रखी जा रही है। ये श्योर नहीं है, ये आएगा, ये अनुमान पर आधारित है और अनुमान पर ही लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा लहर आएगा, बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, तो ये सब चीज़ जब आएगा तब देखने की बात है। लेकिन हम लोगों की अपनी तैयारी होनी चाहिए, तीसरा लहर आवे नहीं आवे अपनी तैयारी होनी चाहिए, और इसी को देखते हुए पेडियाट्रिक्स विभाग और न्यूरोनेटोलॉजी विभाग दोनों विभाग को हम लोग समृद्ध कर रहे हैं। वहीं बाहर से आने वाले चिकित्सकों की ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर भी शेड्यूल बनाया गया है। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर डीके सिन्हा ने बताया कि बच्चों का इलाज कैसे करना है और उनकी देखभाल कैसे करनी है, इसकी जानकारी रिम्स के चिकित्सक बाहर से आने वाले लोगों को प्रशिक्षण के दौरान देंगे। आईसीयू जो है उनका नीकू और ये जो पीडियाट्रिक आईसीयू है उसको पहले सुसज्जित किया जा रहा है। आने वाले समय में अगर इस तरह का और भी जरूरत पड़ेगा आईसीयू बेड बनाने का तो उसका इंतजाम किया जा रहा है। तो ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है? हाँ, ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए यहाँ शेड्यूल बनाया गया है जिसमें बाहर के लोग आएंगे, डॉक्टर लोग आएंगे, उनको बच्चों के देखभाल के बारे में अलग से ट्रेनिंग देंगे। बताते चले कि सदर अस्पताल में 60 बेड की व्यवस्था होगी जिसमें 15 PICU, 15 NICU, 30 जनरल ऑक्सीजन सपोर्टेड वार्ड होंगे, जबकि रिम्स में पहले से पीडियाट्रिक विभाग में 90 बेड, इनमें NICU 31, PICU 10 के अलावा 49 जनरल वार्ड हैं। वहीं मल्टी लेवल पार्किंग के तीसरे तल्ले पर 100 बेड की व्यवस्था होगी, जबकि सर्जरी विभाग को चाइल्ड वार्ड बनाकर 30 बेड की व्यवस्था की जाएगी। रांची से लाइव लगातार के लिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।